गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट कैलोरी। इन दिस चैप्टर फूड एंड न्यूट्रिशन, अर्थात यू लर्न अबाउट ईट भोजन एवं पोषण। इन दिस चैप्टर द टॉपिक इज कैलोरी। कैलोरी मीन्स कैलोरी होता है, कैलोरी टॉपिक क्या है, कैलोरी 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 वैल्यू है, एनर्जी का वैल्यू। कैलोरी क्या है, एनर्जी का वैल्यू है, ऊर्जा का मान है। द कैलोरी सॉरी द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड आइटम मेजर्ड इन कैलोरीज और किलो कैलोरीज। भोजन किस्मों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों में ऊर्जा की मात्रा होती है, उस मात्रा का मापन कैलोरी में किया जाता है अथवा किलो कैलोरी में किया जाता है। सो कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन फूड आइटम्स मेजर, अंडरस्टैंड। अर्थात कैलोरी भोजन किस्मों में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा है और उसी ऊर्जा की मात्रा का मापन कैलोरी में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी मेजर द वेट ऑफ सम थिंग्स और मटेरियल्स इन ग्राम और किलोग्राम। अंडरस्टैंड, आप बाजार जाते हैं तो वेजिटेबल्स फ्रूट्स सम आइटम्स आप बाय बाउट करते हैं, खरीदते हैं। यू लुक द वेट ऑफ सम मटेरियल्स इन ग्राम और किलोग्राम। सपोज दैट व्हेन यू बाउट 500 ग्राम्स सम आइटम्स सच एज शुगर साल्ट और सर्फ ईटीसी, यू लुक ऑन द बैलेंस इन द नेक्स्ट साइड ऑफ बैलेंस इक्वल टू दिस मटेरियल यू बाउट एंड द मेजरमेंट ऑफ दैट मटेरियल इन ग्राम दैट हैव योर रिक्वायरमेंट वेट ऑफ दैट मटेरियल। उस वस्तु जिसके अनुसार आपकी आवश्यकता होती है उतनी उस वस्तु की वैल्यू मापन को आप तराजू पर देखते हैं। तो जब आपको आवश्यकता 500 ग्राम की होती है तो 500 ग्राम व्हेन यू नीड टू 600 ग्राम यू लुक ऑन द बैलेंस 600 ग्राम एंड यू सर्टिफाइड दैट मटेरियल इज ओके यू फॉर योर नीड, आपकी आवश्यकता के अनुसार वो कंप्लीमेंट्री है। जस्ट लाइक टू एनर्जी ऑफ अमाउंट इज मेजर्ड इन कैलोरी और किलो कैलोरी। कैलोरी में अथवा किलो कैलोरी में ऊर्जा की मात्रा का मापन होता है। So you understand it, calorie 1 kilocalorie is equal to 1 kilocalorie is equal to, ये notable matter है तो note कर लेंगे remember करने के लिए। 1 kilocalorie is equal to 1000 calories, कितना 1000 calories, 1000 कैलोरी होता है। कितना में 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू कितना कैलोरीज होता है,
1000 कैलोरीज होता है। इसको आप रिमेम्बर कर लेंगे, अनोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, नोटबुक में, अंडरस्टैंड। सो यू नो अबाउट कैलोरीज, वी नीड टू आवर डेली वर्क फ्रॉम दैट फूड आइटम्स इन रिच कैलोरीज इन सफिशियंट अमाउंट। हम लोगों को अपने कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है एवं वह उचित मात्रा में ऊर्जा उस भोजन सामग्री में कैलोरी के रूप में हमें उपलब्ध होना चाहिए। सो वी नो डैट, हम लोग जानना, वी शुड नो डैट, हम लोग को जानना चाहिए कि इन कार्बोहाइड्रेट्स न्यूट्रिएंट्स फोर कैलोरीज पर ग्राम, यानी प्रति ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स पर ग्राम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरीज होता है, 4 कैलोरीज। बट इन फैट्स न्यूट्रिएंट्स, लेकिन वसा पोषक तत्वों में, इन फैट्स न्यूट्रिएंट्स 1 ग्राम फैट्स में कितने कैलोरीज, 9 कैलोरीज होता है। 1 ग्राम वसा युक्त पोषक तत्व में 9 कैलोरी एनर्जी होता है। बट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट युक्त न्यूट्रिएंट्स में 4 कैलोरीज होता है। सो आवर रिक्वायरमेंट्स ऑफ बॉडी टू ईट दीज न्यूट्रिएंट्स ऑलमोस्ट, हम लोगों को अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार प्रायः इन सभी पोषक सामग्रियों को युक्त भोजन को अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। विटामिन्स मिनरल्स एंड वाटर डू नॉट प्रोवाइड एनी कैलोरीज फ्रॉम कंजम्पशन। विटामिन खनिज लवण एवं जल जैसे पोषक तत्वों से उपभोग से हमें कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, अर्थात विटामिन एवं जल हमें कैलोरी प्रदान नहीं करते हैं। सच एज विटामिन मिनरल्स एंड वाटर, दे विटामिन्स एंड वाटर विटामिन्स एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव फूड एंड वाटर हेल्प टू डाइजेशन ऑफ फूड हेल्पिंग टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी एंड दे ट्रांसपोर्ट्स दो न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट बॉडी। इस प्रकार जल पोषक तत्व को अवशोषित करती है एवं संपूर्ण शरीर में वह ट्रांसपोर्ट परिवहन करती है। बट दे डू नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी फ्रॉम कंजम्पशन, उनके विटामिन और जल के उपभोग से ऊर्जा नहीं मिलती है, बल्कि उनसे क्या मिलती है, विटामिन हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन करती है
जल हमारे शरीर में पोषक तत्वों को भोजन से खींचकर सभी भागों में ट्रांसपोर्ट कराती है एवं हमारे बॉडी का फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करती है, पाचन करती है एवं एक्सक्रेशन उत्सर्जन करती है वेस्ट मटेरियल्स को। हमारे शरीर के पचे हुए भोजन एवं अवशिष्ट पदार्थ जो बेकार पदार्थ होती है उसे शरीर एवं साल्टी वाटर को स्वेट के द्वारा पसीना के द्वारा शरीर से बाहर निकालती है। सो दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी इन कैलोरीज, उनमें कैलोरी नहीं पाए जाते। कैलोरी किसमें होती है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स न्यूट्रिएंट्स में। सो आवर बॉडी नीड्स टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर रिक्वायरमेंट्स, हमारी आवश्यकताओं के हमारे शरीर की जरूरतों के अनुसार हमें अपने आहार में कार्बोहाइड्रेट्स एवं फैट्स युक्त बेस्ट फूड को इंक्लूड करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। यू अंडरस्टैंड इट कैलोरीज। नेक्स्ट टॉपिक कुकिंग ऑफ फूड। व्हाट? कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड भोजन का पकाना। भोजन का पकाना वी नो डैट वी ईट डैट फूड दैट फूड इज कुकिंग बिफोर ईटिंग। हम लोग जानते हैं कि वह भोजन जो हम खाते हैं उसे खाने के पहले पकाते हैं। बिकॉज कुकिंग ऑफ फूड मेक द फूड सॉफ्ट टेस्टी एंड इजी टू डाइजेस्ट, क्योंकि भोजन पकाने से भोजन को पकाने से वह भोजन सॉफ्ट मुलायम आसानी से पचने में युक्त होता है एवं टेस्टी स्वादिष्ट हो जाता है। बट डैट फूड ऑफ मेथड ऑफ कुकिंग आर बैडली और द बैड मेथड ऑफ कुकिंग फूड आर डिस्ट्रॉइंग सम न्यूट्रिएंट्स। सो दिस कॉजेज डैट फूड डू नॉट सफिशियंट फॉर आवर बॉडी। कभी कभी समटाइम्स वह भोजन पकाने का मेथड तरीका बैडली गलत होता है जिसके कारण उस भोजन में उपलब्ध कैलोरी एवं पोषक तत्व डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्या होती है? बर्बाद हो जाती है एवं वह भोजन हमें लाभप्रद नहीं होता है। व्हेन वी कुक्ड दैट फूड इन हाई टेम्परेचर द कैलोरीज और द कार्बोहाइड्रेट्स are destroyed of that food। कभी कभी वह भोजन को high temperature उच्च तापक्रम पर पकाते हैं जिसके कारण उस भोजन में उपलब्ध पोषक तत्व नष्ट हो जाती है and that food are do not sufficient for us। और वह भोजन जिसमें पोषक तत्व उच्च तापक्रम पर पकाने से नष्ट हो जाती है वह हमारे लिए लाभप्रद नहीं होता है। समटाइम्स कभी कभी वी वॉशिंग और पीलिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग, बट ओवर वॉशिंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स
destroy the sufficient nutrients. कभी कभी हम सब्जी एवं फलों को खाने के पहले धोते हैं, but over washing, लेकिन अधिकतम धुलाई करने से उसमें उपलब्ध विटामिन एंड मिनरल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, बर्बाद हो जाती है एंड दे आर वॉश्ड अवे, और वे उससे निकल जाते हैं. सो वी शुड ईटिंग रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर कुकिंग सच आइटम्स कॉन्टेंट्स विटामिन सी. इसलिए हमें विटामिन सी युक्त फलों एवं सब्जियों को हल्का पानी से धोकर रा कच्चे रूप में ग्रहण करनी चाहिए. सो यू अंडरस्टैंड अबाउट कुकिंग ऑफ फूड एंड बेनिफिट्स ऑफ फूड एंड द मेथड ऑफ कुकिंग ऑफ फूड. देयरफॉर वी शुड ट्राई टू सफिशियंट मेथड एंड इन नॉर्मल टेम्परेचर एंड अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ डाइट फूड आइटम्स कुकिंग. इसलिए हमें भोजन को उनकी किस्मों एवं उसके पकाने के तापक्रम के उचित तापक्रम के आधार पर भोजन को पकाना चाहिए एंड डेट फूड आइटम्स डेट आर ईटिंग रॉ, और वह भोजन सामग्री जो कच्चे खाए जाते हैं. सो दोज फूड आइटम्स ईटिंग रॉ, वैसे भोजन किस्मों को कच्चे इन द फॉर्म ऑफ रॉ कच्चे रूप में खाना चाहिए, सच एज कैरट गाजर रेडिश मूली हल्का उसमें जो डस्ट है धूलकण है स्वाद उसे पानी से धोकर और विदाउट कुकिंग हम लोग खाते हैं हमारे लिए यूजफुलनेस होता है. अंडरस्टैंड. सो दस दिस इज नो अबाउट कुकिंग ऑफ फूड. नेक्स्ट टॉपिक डिफिशियंसी. डिफिशियंसी डिजीज, इसको क्लियर कर रहे हैं. क्या है डिफिशियंसी डिजीज? डिफिशियंसी मीन्स होता है कमी, कमी से होने वाली बीमारियां. क्या है टॉपिक? डिफिशियंसी डिजीज. डिफिशियंसी डिजीज डिफिशियंसी मीन्स होता है कमी या हीनताजन्य बीमारियां या कमी से होने वाली बीमारियां. डिफिशियंसी डिजीज, डिजीज मीन्स बीमारियां और डिफिशियंसी मीन्स होता है कमी अथवा हीनताजन्य बीमारियां अथवा कमी से होने वाली बीमारियां, यानी हमारे भोजन में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण बीमारियां उत्पन्न होती है उसी को डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं. वी नो दैट द पीपुल ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड डू नॉट इंक्लूड इन हिज डाइट ए बैलेंस्ड डाइट काउजिंग ऑफ पॉवर्टी. हम जानते हैं कि विश्व के कुछ देशों में लोग गरीबी के कारण अपने भोजन में संतुलित आहार शामिल नहीं कर पाते हैं. सम ऑफ ईट अदर्स. इसके अतिरिक्त पीपुल ऑफ सम कंट्रीज द हैबिट्स ऑफ ईटिंग सच एज फास्ट फूड एंड जंक फूड आर
destroyed the right amount of nutrition in their diet. कभी कभी कुछ देशों के लोगों के भोजन करने के तरीका, जैसे कि फास्ट फूड, जंक फूड, फास्ट फूड कहते हैं तुरंत पकाया एवं खाया जाने वाला पदार्थ, सच एज नूडल्स, जानते हैं नूडल्स, मैगी वगैरह, चाउमीन, ये सब तुरंत पकाया और तुरंत खाया जाने वाला पदार्थ है. बट द बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स आर लैक इन दिस फूड आइटम्स. सो दिस हैबिट्स ऑफ ईटिंग इन सम अदर पीपल्स आर डू नॉट गेट देम राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन दियर फूड आइटम्स. ये सभी खाने के तरीकों के कारण कुछ से लोगों के भोजन सामग्रियों से उन्हें उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं प्राप्त हो पाती है. देयरफोर इसलिए द लैक ऑफ राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन दियर फूड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज. अगेन ईट द lack of nutrients in their food items causes several types of disease called deficiency disease. भोजन में उचित मात्रा में पोषक तत्वों की कमी होने के कारण अनेक प्रकार की व्याधियां या बीमारियां उत्पन्न होती है. ऐसी बीमारियों को डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं, सच एज लैक ऑफ विटामिन्स, लैक ऑफ मिनरल्स कॉजेस डिफिशियंसी डिजीज, सच एज सम एनर्जी गिविंग फूड्स एंड बॉडी बिल्डिंग फूड्स कॉजेस ऑफ मेल न्यूट्रिशन. ऊर्जा प्रदान करने वाले एवं शरीर के निर्माण करने वाले भोजन के पोषक तत्वों की कमी होने के कारण मेल न्यूट्रिशन भी होता है कुपोषण, उनके कारण लोगों में कुपोषण की बीमारियां होती है. एंड यू शुड नो दैट इन पॉवर्टी कंट्री, इन पुअर कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री द हैबिट ऑफ ईटिंग फूड causes and lack of these nutrients causes malnutrition. कभी कभी गरीब देशों में एवं विकासशील देशों के लोगों में गरीबी के कारण एवं खाने के गलत तरीकों के कारण, गलत आदतों के कारण उनमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और जिसके कारण व्याधियां डिफिशियंसी डिजीज हो जाती है एवं कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण उनमें मेल न्यूट्रिशन कुपोषण बीमारी हो जाती है, कुपोषण होती है. उनका शरीर बॉडी फिजिकली रूप से मेंटली रूप से हेल्दी नहीं हो पाता है, उनमें मेल न्यूट्रिशन होता है, कुपोषण की बीमारी होती है. अर्थात उनका न्यूट्रिशन पोषण सफिशियंट नहीं होता है, उपयुक्त प्रकार से नहीं होता है. काउजेज ऑफ डिफिशियंसी और कॉजेज ऑफ लैक अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन देयर फूड आइटम्स. मोर्टेलिटी रेट इज हाई इन डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों में कुपोषण के कारण बच्चों में चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब बच्चे का मृत्यु दर अधिकतम होता है, यानी विकासशील देशों में डिफिशियंसी डिजीज के कारण और मैलन्यूट्रिशन के कारण उनके भोजन में संतुलित आहार नहीं हो पाती है
और वैसे देशों विकासशील देशों के बच्चों में डिफिशिएंसी डिजीज के कारण मोर्टलिटी रेट हाई होता है, बच्चे का मृत्यु दर उच्च होता है। सो यू नो अबाउट डिफिशिएंसी डिजीज, सम मोर डिफिशिएंसी डिजीज आर डिफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। यू लर्न इट इन नेक्स्ट टाइम। नाउ थैंक यू वेरी मच।